उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम कोई प्रश्न उठाएं तो यह देखें कि हम इसमें से कहां तक बढ़ा सकते हैं। किसी चीज का मूल्य क्या हो, महंगी पड़े या सस्ती पड़े, इसको हमें विशेष नहीं देखना है। गांधी जी ने कितनी ही बार हम लोगों को यह बात समझाई कि मूल्य किसी चीज का रुपए पैसे में क्या है, यह कोई महत्व की बात नहीं है। आप जानते होंगे कि एक वस्तु जो कि हमारे देश में बहुत सस्ती मिलती है, वही वस्तु दूसरे देश में महंगी मिलती है। इतना निवेदन करने के बाद अब मैं श्रम विभाग की जो रिपोर्ट है उसकी एक मद की ओर तुरंत आ जाता हूँ। जैसा कि पहले मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि हमारे इस श्रम विभाग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। बहुत से प्रश्न हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है, उन प्रश्नों को आपको लेना पड़ेगा। आज आपका श्रम विभाग अधिकतर औद्योगिक श्रमिकों की ओर ध्यान दे रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने तो खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने की ओर भी आपका ध्यान दिलाया था और बतलाया था कि आज उनकी कैसी खराब हालत हो रही है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। हमारी सरकार का ध्यान देहाती श्रमिकों की ओर नहीं गया है, उनकी बड़ी बुरी हालत है। आपने उनकी दशा सुधारने के लिए क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं, उनको मजदूरी और काम दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? करीब 7 लाख आदमी नौकरियों के लिए प्रार्थी हैं, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है। इनके अलावा कितने ही लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं और कितने ही आदि बेकारी की हालत में हैं, और श्रम विभाग उन बेकारों और अर्ध बेकारों की संख्या पता लगाने में असमर्थ है। उनकी संख्या हमको कहीं नहीं मिलती है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश में बेकारी बहुत अधिक है। जितना अधिक हम बेकारी को दूर कर सकें, उतना ही अधिक हम अपने देश और समाज को सुखी बनाएंगे। इस कार्य में आपका और आपके विभाग का दायित्व बहुत अधिक है। जो भी नया काम आरम्भ होता है उसका दायित्व श्रम विभाग पर रहता है। वे उसके मालिक नहीं बल्कि धन जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। उन्होंने इस भावना को देश की जनता तक पहुंचाने में बड़ा प्रयत्न किया और उसी विचारधारा को लेकर विनोबा जी ने सारे देश में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब तक इस वैदेशिक नीति पर न केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है, इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इस बात से पूरे सहमत हैं कि हमारी विदेश नीति ने संसार में हमारा सिर ऊंचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांत को संसार के सामने रखा है। यदि हम उसके आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टिपात करें तो हमको पता चलेगा कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने की कोशिश की है। जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे। उनके साथ ही हमारे दो बड़े गुट थे जो कि एटम बम और दूसरे बम लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट को ज्वाइन नहीं किया तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इसी स्तर पर रखा, जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांत को रखा, उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सम्मेलन में गत वर्ष अप्रैल महीने में संसार के 29 राष्ट्रों ने, जो कि एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे, यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं वे साथ साथ चल सकें। हमारी वैदेशिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है सह अस्तित्व की भावना। उसी भावना के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज कोरिया का युद्ध बंद है, जो कि एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हमारी इस नीति के कारण हमारे अमरीकी मित्र हमसे कुछ अप्रसन्न भी हो गए, लेकिन यदि हम ऐसा ना करते तो आज संसार को तीसरा युद्ध देखना पड़ता। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा ही लूंगा।